नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कुढ़नी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। रालोचपा ने बकायदा चुनाव अभियान समिति का गठन किया है, और सिर्फ चुनाव अभियान समिति का गठन नहीं किया है, समिति के सदस्यों की सूची भी जारी कर दी गई है। ये वो लोग हैं जो कुढ़नी में एनडीए उम्मीदवार की जीत में अपना योगदान देंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल, उन्होंने ये सूची जारी की है। और इस सूची के मुताबिक वैशाली सांसद और आलोचपा की केंद्रीय संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष वीणा देवी के नेतृत्व में पार्टी के 51 नेताओं को कुढ़नी विधानसभा के लिए सभी पंचायतों में प्रचार अभियान चलाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। चुनाव अभियान समिति में मुख्य रूप से एमएलसी भूषण राय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व विधायक अनिल चौधरी, केशव सिंह, प्रधान महासचिव अंबिका प्रसाद बीनू, दलित सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं घनश्याम कुमार दाहा, प्रधान महासचिव दलित सेना की स्मिता शर्मा जो प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं वो शामिल हैं। तो ये वो लोग हैं जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो रालोजपा और लोजपा रामविलास दोनों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। दोनों मिलकर, चाचा भतीजा मिलकर, बीजेपी को कुढ़नी की सीट दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और जवाब तब मिलेगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। हालांकि मोकामा में भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी अपनी भूमिका निभाई। पशुपति कुमार पारस प्रचार करने नहीं गए, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने प्रचार किया। सूरजभान सिंह डटे रहे, पूरा का पूरा क्रेडिट लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को दिया। और चिराग पासवान के रोड शो में जिस तरह से हुजूम उमड़ा, जिस तरह से भव्य रोड शो हुआ, जाहिर तौर पर ये क्रेडिट चिराग पासवान को मिला। भारतीय जनता पार्टी गदगद थी, लेकिन भूमिका, और यह दावा भी करती है रालोजपा कि उसकी भी रही है। अब कुढ़नी में रालोजपा का दावा है कि पूरी मेहनत करेंगे, पूरे लगन से हम बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएंगे। बीजेपी ने वहां से केदार गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। दूसरी तरफ रालोजपा भी पूरे प्लान के साथ कुढ़नी के मैदान में उतर रही है बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।